सो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सेंट पीटर्सबर्ग से आज प्लान है सिटी को और थोड़ा घूमने का, और हर्मिटेज म्यूज़ियम और वर्ल्ड फेमस मरिंस्की थिएटर पे जाने का। तो चलिए साथ में घूमते हैं सिटी को। सो गाइस, अभी चलते हैं हर्मिटेज म्यूज़ियम के अंदर, और ये है एंट्रेंस डोर यहाँ का। आप यहाँ के लिए टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अंदर जाके भी ले सकते हैं। हमने अभी टिकट लिया नहीं है, तो वी विल टेक टिकट हियर ओनली। सो यहाँ पे आने के बाद भी टिकट्स के लिए यहाँ पे टर्मिनल है, मशीन्स हैं, आप यहाँ पे अपने आप टिकट ले सकते हैं, नहीं तो कैश काउंटर पे जाके टिकट ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैश काउंटर पे। सो ये है टिकट ऑफिस यहाँ का, यहाँ से टिकट लेते हैं फटाफट। सो गाइस, ये है हमारी टिकट हर्मिटेज म्यूज़ियम की, और टिकट का प्राइस हमको पड़ा 500 रूबल्स। मैंने आपको बताया था कि म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, तो एक्चुअली इस म्यूज़ियम में 350 रूम्स हैं और टोटल 30 लाख से ज़्यादा आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं। और अगर आप हर एक आइटम को एक एक मिनट के लिए देखेंगे तो आपको 10 साल से ज़्यादा लग जाएगा ये पूरा म्यूज़ियम कवर करने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा म्यूज़ियम है। आपको आर्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम है और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। सो हम लोग बाहर आ गए हैं एंड स्नोफॉल ऑलरेडी रात हो चुकी है, बट स्टिल ब्यूटीफुल लाइट्स एंड पीटर्सबर्ग लुक्स ब्यूटीफुल इवनिंग। और ये देखिए, ये है एक रेस्टोरेंट, और कितना डेकोरेट किया इसको। I won't go to this restaurant. So, अभी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, तो सर्दियों के टाइम में रशिया में ट्रैवल करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो ऑब्वियस है कि ठंड बहुत होती है, बट सर्दियों में रशिया, पर्टिकुलरली सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वगैरह काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि डेकोरेशन न्यू ईयर के लिए लाइटिंग्स वगैरह बहुत ही अच्छी रहती हैं। You agree with me? In winter, very beautiful. Agree. A lot of. Correcto. A lot of decorations. A lot of lights. A lot of. और ऐसे street musicians आपको जगह-जगह दिखेंगे। सर्दियों में थोड़े कम, but गर्मियों में तो पूरी streets भरी रहेंगी इनसे। अभी guys यहाँ से कुछ takeaway लेते हैं। वीडियो। सो यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और प्राइसेस भी ठीक हैं। यहाँ पे सलाद है, सूप है, फिश एंड चिकन, और यहाँ पे पास्ता है। तो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ पास्ता विद चिकन, तो ये फ्रेश बनाएंगे अभी एंड देन वी कैन टेक अवे। बहुत ही सस्ता है। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर थिएटर, रशिया के सबसे पॉपुलर थिएटर मरिंस्की थिएटर में, तो चलिए चलते हैं। हुर्रे, हम लेट पहुँचेंगे।
अभी हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। थिएटर का टाइम है 7 बजे, ऑलरेडी 6:20 हो गए हैं, तो होपफुली अभी टैक्सी आ जाएगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे वापस से। चलो चलो। सो गाइस, टैक्सी इज हियर, चलिए चलते हैं। A lot of traffic. Yes, we can do it. आ गए हैं थिएटर के पास, 10 मिनट बाकी हैं, फटाफट कपड़े देते हैं उसके बाद चलते हैं थिएटर में। सो गाइस, ये है थिएटर, टॉप की रो है हमारी। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी सारी रोज हैं यहाँ पे। हमने टॉप वाली सीट ली है, अभी 2 मिनट के बाद शो शुरू हो जाएगा। और नीचे है ऑर्केस्ट्रा, अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी आ गए थिएटर से बाहर और शो ओपेरा इतना अच्छा था कि मुझे ऑलमोस्ट रोना आ गया था। आगा व्हाट इज आगा, सीरियसली काफ़ी अच्छा शो था। और यू वर सीरियसली क्राइंग, और सीरियसली मुझे तो रोना नहीं आया, बट शो अच्छा था। अगर आपको ओपेरा में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ आना चाहिए, काफ़ी पॉपुलर थिएटर है रशिया का ये, मरिंस्की थिएटर। तो चलिए अब चलते हैं अपार्टमेंट में, आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में।